हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 12th. द बोर्ड इज CBSE एंड द सेशन इज 2021 to 2022. तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स क्लास 12th का सिलेबस हमारी दो बुक्स में डिवाइडेड है. पार्ट ए इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड पार्ट बी इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इस बुक में हमें थ्योरी भी पढ़नी है एंड साथ साथ प्रैक्टिकल्स भी पढ़ने हैं. प्रैक्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. पार्ट बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे हमें कंप्लीट थ्योरी मिलेगी जिसमें हमें अपनी इकोनॉमी की डेवलपमेंट, उसकी लिमिटेशंस, उसके एडवांटेजेस, उसके फीचर्स, हम सब की बात करेंगे. सो नेक्स्ट इज योर पार्ट सी. पार्ट सी कंसिस्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट वर्क. प्रोजेक्ट वर्क में आपको एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, एक टॉपिक मिलेगा आपको जिसपे आपको इस फाइल को तैयार करना है और उस फाइल की वेटेज होगी आपकी 12 मार्क्स. नेक्स्ट इज योर वाइवा. वाइवा आपके एक्सटर्नल टीचर्स लेंगी. आपके स्कूल में कुछ एक्सटर्नल टीचर्स आती हैं जो आपका वाइवा लेंगी एंड वो वाइवा आपका होगा 8 मार्क्स. नाउ कमिंग टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की वेटेज इज 40 मार्क्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस हमारी 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है. यूनिट 1 इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स. इस यूनिट की वेटेज है आपकी 10 मार्क्स की. यूनिट 2 इज मनी एंड बैंकिंग. इस यूनिट की वेटेज है आपकी 6 मार्क्स. यूनिट 3 इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, वेटेज इज 12 मार्क्स. यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, यूनिट इज 6 मार्क्स. एंड यूनिट 5 इज बैलेंस ऑफ पेमेंट और उसकी वेटेज है हमारी 6 मार्क्स. नाउ कमिंग टू द सेकेंड बुक, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इस बुक की भी वेटेज हमारी 40 मार्क्स होती है. ये बुक हमारी 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है. पहला यूनिट है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991. तो इस यूनिट की वेटेज हमारी है 12 मार्क्स. यूनिट 2 इज करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी. ये यूनिट हमारी मास्टर यूनिट है. इस यूनिट में हमें बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स पढ़ने को मिलेंगे और इस यूनिट की वेटेज है हमारी 22 मार्क्स. यूनिट 3 है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया इन कंपेरिजन विद इट्स नेबर्स. अब नेबर्स कौन कौन से हैं इंडिया के? चाइना एंड पाकिस्तान. तो हम इसमें बेसिकली इस यूनिट पे इंडिया, चाइना और पाकिस्तान तीनों ही कंट्रीज की डेवलपमेंट की और एक कंपेरेटिव स्टडी करेंगे. अब हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की. जैसा कि मैंने आपको बताया मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है. तो पहली यूनिट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स. पहली यूनिट हमारी 10 मार्क्स की है और पहली यूनिट 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड है. पहला चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे हमारी इकोनॉमी में इनकम कैसे जनरेट होती है, कैसे अराइज होती है, किस सेक्टर से निकल के इनकम कौन से सेक्टर्स में जाती है, इनकम क्यों अराइज होती है, उसके एक्सचेंज में हमें क्या मिलता है, हम क्या देते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं. दूसरा चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे सिटीजन्स कौन होते हैं, रेसिडेंट्स कौन होते हैं, हमारी फाइनल गुड क्या होती है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होता है, फैक्टर पेमेंट्स क्या होता है, वगैरह वगैरह. अब हम बात करते हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जो कि है हमारा थर्ड चैप्टर. नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में बात करेंगे कि नेशनल इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है. नेशनल इनकम को हम डिनोट करते हैं NNPFC से, वेयर एज डोमेस्टिक इनकम को हम डिनोट करते हैं NDPFC से. तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये टर्म्स कैसे अराइज हुई हैं, इसको इसमें क्या डिफरेंस है, हम इसको इसमें कैसे चेंज करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फोर्थ चैप्टर है हमारा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. तो अब इस चैप्टर में हमारे आते हैं न्यूमेरिकल्स और इस चैप्टर से हमारे एग्जाम में चांसेस है 6 मार्क्स से क्वेश्चन आने के. अब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड. तो उन तीनों मेथड्स की डिटेल में हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में और उनकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो भी हम बात करेंगे. अब आते हैं यूनिट 2. यूनिट 2 इज मनी एंड बैंकिंग. आपको इस नेम से ही क्लियर है कि इसमें 2 चैप्टर्स हैं, मनी एंड बैंकिंग. तो मनी चैप्टर में हम बात करेंगे मनी क्या होता है, मनी सप्लाई क्या होती है, मेजर्स क्या होते हैं मनी के, थोड़ा बहुत हम बार्टर सिस्टम के बारे में भी डिस्कस करेंगे. बार्टर सिस्टम क्या होता है, वेल जब मनी नहीं था तो हमारी इकोनॉमी में बार्टर सिस्टम ही फॉलो होता था. बार्टर सिस्टम मतलब गुड्स के बदले में हम गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं, उस बारे में हम बात करेंगे. दूसरा है बैंकिंग. अब बैंकिंग में हमारी सेंट्रल बैंक भी आता है, कमर्शियल बैंक्स भी आते हैं,
हम कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस की बात करेंगे, हम इसमें क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस की बात करेंगे। क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी में अगर 1,000 रुपये हैं तो इन 1,000 रुपये से कैसे क्रेडिट क्रिएट होता है हमारी इकोनॉमी में, उस पूरे प्रोसेस की हम बात करने वाले हैं। नाउ कमिंग टू द यूनिट 3, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस यूनिट की सबसे ज़्यादा वेटेज भी होती है। तो इस यूनिट में फर्स्ट चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड होती क्या है, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब 11th में पढ़ा था हमने डिमांड वर्ड यूज़ किया था। डिमांड मतलब एक इंडिविजुअल क्या डिमांड कर रहा है, या फिर मार्केट में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या डिमांड कर रहे हैं, वो हमने डिमांड में पढ़ा था। एग्रीगेट डिमांड मतलब अब पूरी इकोनॉमी में, पूरी कंट्री में कितनी डिमांड है, एग्रीगेट लेवल पे डिमांड जो होती है उसको हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। एग्रीगेट डिमांड के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्या हैं वो भी बात करेंगे। नेक्स्ट इज इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। अब इनकम डिटरमाइन कैसे होती है, इन्वेस्टमेंट कैसे डिटरमाइन होती है, मल्टीप्लाई कैसे होती है, इसकी वर्किंग क्या है वो हम बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। अब एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड में हम पढ़ेंगे कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का इंट्रैक्शन की बात करेंगे। एक्सेस डिमांड में क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड एक्सीड करेगी एग्रीगेट सप्लाई को। एक्सेस डिमांड में क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड विल एक्सीड एग्रीगेट सप्लाई। वेयर एज डेफिशिएंट डिमांड में क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड विल डेफिसिट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। तो इस चैप्टर में हम ये बात करने वाले हैं। मैं फिर बता दूं ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आप घबराइएगा मत, बहुत इजी है और बहुत आसानी से आपको समझ में भी आएगी। यूनिट 4 है हमारी गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट बजट की टर्म से आप सब लोग फेमिलियर होंगे। गवर्नमेंट बजट हर साल इंट्रोड्यूस होता है, फेब्रवरी के मंथ में ये निकाला जाता है। तो इसी चैप्टर में हम गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड ही बात करेंगे, गवर्नमेंट बजट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गवर्नमेंट बजट की क्यों लॉन्च होता है, इससे इकोनॉमी में क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, और इससे रिलेटेड टर्म्स क्या हैं, जैसे रिसीप्ट्स हो गई। अब रिसीप्ट्स भी हमारी दो टाइप्स की होती है, रिवेन्यू और कैपिटल। तो हम रिवेन्यू रिसीप्ट्स की बात करेंगे, कैपिटल रिसीप्ट्स की बात करेंगे। दूसरा है एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर भी हमारा दो टाइप्स का होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट इज यूनिट 5। यूनिट 5 क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इस बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब जो पेमेंट्स हमारी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हो रही हैं, मतलब फॉरेन सेक्टर के साथ हो रही हैं, इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, किसके टर्म्स में, फॉरेन करेंसी के टर्म्स में। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन दोनों ही चैप्टर्स में हम सिर्फ फॉरेन करेंसी का इनफ्लो आउटफ्लो से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। नेक्स्ट बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारे 3 यूनिट्स हैं। तो यूनिट 1 है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947-1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947-1990 ये आपकी एक यूनिट है, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 ये वाला जो है आपका ये एक चैप्टर है, और इसको हम NEP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NEP। NEP मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो हम बात करते हैं पहले चैप्टर्स की। तो ये यूनिट हमारी ब्रॉडली 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। पहला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब जब हमारी इकोनॉमी में इंडिपेंडेंस आई थी, दैट मीन्स 1947 के बाद हमारी इकोनॉमिक की क्या सिचुएशन थी, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो कैसे एक्सप्लॉयट हुए थे, इंडियन मार्केट कैसे एक्सप्लॉयट हुई थी, हमारा रेलवे का इंट्रोडक्शन भी हुआ था, साथ साथ हमारा जो फॉरेन ट्रेड था मतलब एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स, उसके भी हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। दूसरा चैप्टर है हमारा 5-year प्लान्स इन इंडिया। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, इंडिया में 5-year प्लान्स क्या थे, 5-year प्लान्स की नीड क्या थी, इकोनॉमिक सिस्टम क्या था, गोल्स क्या थे प्लानिंग के, और अचीवमेंट क्या हुई इन गोल के थ्रू। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रेड। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड ट्रेड सेक्टर, क्या सिचुएशंस थी, क्या लिमिटेशंस थी, क्या इंट्रोडक्शन हुए, क्या इन सेक्टर्स से हमारी इकोनॉमी को फायदे हुए, क्या नुकसान हुए। फोर्थ यूनिट है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, जो कि हमने यहाँ पे बात की थी, और इसको हम बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी।
अब इस पॉलिसी में हमारी तीन चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी, उसको हम बोलते हैं एल पी जी, वेयर एल स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, पी स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो इस चैप्टर में हम इन तीनों टर्म्स को डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस चैप्टर में। हमें अपनी इकोनॉमी के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो हमें नहीं पता है और हम सरप्राइज हो जाएंगे उन चीज़ों को। सेकेंड यूनिट है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। तो इस यूनिट में हमारे 6 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है पॉवर्टी, दूसरा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, देन रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब पॉवर्टी, जैसा कि आप सबको पता होगा पॉवर्टी का मतलब क्या है, पॉवर्टी मीन्स अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें गरीबी। तो ये गरीबी कैसे डिसाइड होती है, पॉवर्टी कैसे डिसाइड होती है, एक पॉवर्टी लाइन होती है। इस पॉवर्टी लाइन को हम एक इनकम की टर्म्स में डिफाइन करते हैं कि अब जो लोग इस पॉवर्टी लाइन के बिलो लाइक करते हैं उनको हम पुअर कंसिडर कर लेते हैं। सो इस चैप्टर में हम इसी बारे में बात करेंगे। दूसरा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ह्यूमन भी हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, बिकॉज ह्यूमन बींग्स के बिना हमारी प्रोडक्शन नहीं हो सकती। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हम ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, ह्यूमन कैपिटल क्यों ज़रूरी है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए एजुकेशन भी ज़रूरी है, हेल्थ भी ज़रूरी है, और वो कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करता है हमारी इकोनॉमी डेवलपमेंट में। नेक्स्ट चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट। अब रूरल एरियाज़ की डेवलपमेंट की बात करने वाले हम इस चैप्टर में। रूरल एरियाज़ की डेवलपमेंट में हम दो चीज़ें बात करेंगे, रूरल क्रेडिट और रूरल मार्केट। रूरल क्रेडिट में बात आएगी आपकी लोन्स की, कि रूरल एरियाज़ में लोन्स कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं फार्मर्स को और छोटे 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 एम्प्लॉयर्स को। दूसरा है मार्केट, रूरल एरियाज़ में मार्केट्स कैसी हैं, बहुत सारे टाइप्स की मार्केट्स की हम बात करेंगे इस चैप्टर में। थर्ड चैप्टर है हमारा एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट में हम अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात करेंगे, कि हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी है, दोनों में डिफरेंस क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों अराइज होती है, हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट क्यों कम है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है, इन सब चीज़ों की बात करने वाले हैं हम इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका क्या क्या इंक्लूड होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आपका इंक्लूड होता है आपका एजुकेशन, आपकी हेल्थ, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपका कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। चैप्टर है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इस चैप्टर में हम बात करेंगे हमारी नेचुरल रिसोर्सेज की, कैसे हमारा एनवायरनमेंट हार्म हो रहा है, कैसे हमारे एनवायरनमेंट से ये नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट होती हैं और हमारी इकोनॉमी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होता है। तो अब हमारी इंडियन इकोनॉमी की थर्ड यूनिट है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया इन कंपैरिजन विद इट्स नेबर्स। जो जैसा कि मैंने आपको बताया इंडिया के नेबर्स हैं हमारे पाकिस्तान एंड चाइना, तो हम इसमें इंडिया, चाइना और पाकिस्तान तीनों ही कंट्रीज़ की कंपैरेटिव ग्रोथ, उनकी स्ट्रैटेजीज, उनकी लिमिटेशंस, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।